स्टूडेंट देखिए कहाँ जा रहे हो कभी अभी। हेलो कैसे हो? अच्छा। ये रहा दोस्तों यहाँ पर मम्मी, तो अभी इसको हम लोग लेके जाने वाले हैं। मम्मी चलो चलो चलो। दोस्तों यहाँ पर मम्मी जो है ब्रिज पे चढ़ने के लिए नहीं मान रही है, देखिए। चलो चलो नमस्कार दोस्तों, दोबारा आपका स्वागत है हमारे और एक नई वीडियो पे। मैं हूँ आपका दोस्त आनंद दास और अभी बज रहे करीबन सुबह के 6:45 और अभी हम लोग जा रहे हैं ट्यूशन। और दोस्तों यहाँ पे किसी ने क्यूब छोड़ के रख दिया, वहाँ फेंका हुआ था रात को, तो मैं यहाँ पे रख दिया, ठीक है। तो दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं ट्यूशन और ट्यूशन से हम लोग सोच रहे हैं कि सीधा वहीं से चले जाएंगे मम्मी बकरी को लेने के लिए, क्योंकि वो दोनों एक ही रास्ता है, इतना दूर से वापस आके फिर से जाना इट्स इम्पॉसिबल। तो सीधे वहीं से हम लोग चले जाएंगे बकरी लेने के लिए और 9 बजे अपना जो काटी है इसके लिए, ठीक है। तो चलिए चलते हैं ट्यूशन की ओर। और देखिए क्या मस्त धूप निकल रहा है, क्या मस्त धूप निकल रहा है। और दोस्तों बारिश गिरने का भी आसार है, देखिए पूरा काला काला बादल हो गया है, फिर भी धूप तो कितना मस्त है, ठंडा ठंडा ठंडा, इतना गर्म भी नहीं है, अच्छा लग रहा है। तो चलिए ठीक है, हम लोग अभी चलते हैं ट्यूशन और सीधे आपसे मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, तो अभी के लिए बाय बाय। तो दोस्तों यहीं पे अभी ट्यूशन छुट्टी हो चुका है और अभी बज रहे करीबन 7:35। और यहाँ पर ये रहा मेरा स्टूडेंट देखिए तो अभी ट्यूशन खत्म हो गया और अभी हम लोग जा रहे हैं बकरी लेने के लिए उधर पे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। और यहाँ पर वक्का भैया कहाँ जा रहे हो? वक्का भैया लेके कहाँ जा रहे? ए कद्दू। चलिए खेती। तो दोस्तों ये रहा अभी हम लोग इधर से जा रहे हैं, देखिए लोगों अभी। हेलो कैसे हो? अच्छा हूँ बोला। तो ये है मीनू, ये कद्दू वाला जीनू और उधर पे बेबी, तो ये तीनों मेरा स्टूडेंट है। तो हम लोग सुबह को करीबन 6 बजे पीछे देखो, पीछे पीछे तू देखो। उसके बाद देखिए यहाँ पर बहुत दूर से इन लोगों को आना पड़ता है स्कूल, बहुत ही ज़्यादा दूर है यहाँ पर। यहाँ से करीबन कितना टाइम लग जाता है स्कूल पहुँचने के लिए? कितना टाइम लगता है? कितना बजे निकलते हैं यहाँ से? आधा घंटा। आठ बजे निकलने से 9 बजे पहुंच जाता है। तो दोस्तों यहाँ से करीबन 1 घंटा लगता है स्कूल जाने के लिए। वैसे तो मुझे मेरा घर से यहाँ तक पहुंचने के लिए आधा घंटा लग जाता है और हमारे घर से करीबन स्कूल 1 किलोमीटर ही है, तो करीबन 1 घंटा लग जाता है। देखिए इतना दूर से आना पड़ता है बच्चों को कहाँ गया जीनू? कहाँ गया जीनू? देखिए जीनू कद्दू, जिन्हें कद्दू वाली होगी ये। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बकरी लेने के लिए बेबी के घर पर। अरे बेबी, बेबी जो मेरे मामा का लड़की है, तभी वहीं पे जा रहे हैं हम लोग। तो चलिए चलते हैं और आपसे हम लोग मिलते हैं थोड़ी देर के बाद उनके घर पर, तभी के लिए बाय। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए बेबी और मीनू जिनू को, आज बेबी और जिनू मुर्गी बनी है और जिनू ने इतना बड़ा कद्दू दिया है देखिए अंडे में। बेबी ने अंडा नहीं दिया? अरे इधर से भी रास्ता है क्या? हम लोग उस दिन उधर से गया था, उधर से ज़्यादा लॉन्ग कट हो जाएगा। तो हम लोग कुछ दिन पहले उधर से गए थे, तो आज इधर से जा रहे हैं। हमको तो मालूम नहीं, जहाँ से सड़क मिलता है उधर से निकल जाता है, यहाँ से शॉर्टकट होकर बोल रहे हैं। तो चलिए इधर से चलते हैं। तो दोस्तों यहीं पे अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं बहन के घर पर मम्मी को लेने के लिए। तो हम लोगों को यहाँ तक लगा करीबन आपका 15 मिनट लग गए यहाँ से, वहाँ से यहाँ आने के लिए और अगर। तो चलिए उधर चलते हैं।
ये रहा दोस्तों यहाँ पर मम्मी, तो अभी इसको हम लोग लेके जाने वाले हैं। मम्मी चलो चलो, जाने का समय हो गया है घर। और उधर बोगा, खोलो खोलो खोलो, रुक जाओ रुक जाओ। चलो 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 दोस्तों, ये रहा मम्मी को अभी हम लोग लेके निकल चुके हैं। और बेबी आगे आएगी और मैं अभी, वो नदी पार होके स्कूल जाएगी तो वो अलग रास्ते से चले जाएगी और मैं आ आ आ आ आ वो उल्टा रास्ता चला आ आ धो टन टन टक टन आ आ आ इधर जाए, जब वो देखिए अलग रास्ता चलेगा चला गया था। चल 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 चल, बहुत दिन के बाद, एक महीने के बाद आज घर जा रहे हैं हम लोग। तो अभी इसको लेके चलते हैं और नदी पार होकर जाना पड़ेगा। नदी तो पार नहीं करेंगे हम लोग, जो वो ब्रिज है वो पार करेंगे। अगर नदी पार होकर जाते तो जल्दी पहुंच जाते और सभी का साथ पहुंचते, लेकिन वैसे नहीं हो रहा। तो चले चलते हेरी, दो लोगों से रुकी था कि यहाँ बेबी। तो अभी हम लोग पहले पुराने वाले रास्ते से नहीं जाएंगे, हम लोग दूसरे रास्ते से जाएंगे, इधर से होके जाएंगे। चलो चलो चलो, बाय बाय, आकत लग पाम। आ आ आ आ आ शू, बोगे तो आने के लिए नहीं मान रहे दोस्तों। वो बार बार उसकी घास खा के यहीं पे रुक रहे हैं। अभी वो यहीं पे रह रहे के उसको आदत हो गया, तो वो उसको लग रहा है यहीं पे रहेगा बोल के, लेकिन वैसे नहीं। अभी आज इसको हम लोग घर लेके जा रहे हैं, लेकिन उसको लग रहा है कि वो यहीं पे रहेगा। तो चले चलते हैं और जल्दी जल्दी पहुँचते हैं, उसके बाद जोकहाट भी जाना है। ठीक है, तो चले चलते हैं और आपसे हम लोग मिलते हैं आगे दोस्तों। तो दोस्तों करीबन आधा घंटे के बाद मम्मी और वोगी के साथ हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पर। और अभी यहाँ से थोड़ी दूर जाना है, उसके बाद हम लोग ब्रिज पहुँच जाएंगे, उसके बाद फिर से हम लोग बेबी को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर है ब्रिज, तो बेबी लोग शायद पहुँच गए होंगे वहाँ पर। और मैं यहाँ पर पूरा थक चुका हूँ दोस्तों, गर्मी भी है और वैसे तो इतना मौसम तो ठीक ही है, छाए छाए है, फिर भी छाँव छाँव है, फिर भी मतलब आपका गर्मी तो हो रहा है। अच्छा 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 अच्छा, तो चले चले, तो चलिए दोस्तों आगे मिलते हैं। ब्रिज क्रॉस करने के बाद शायद वो लोग वहाँ पे पहुँच चुके होंगे, तो जल्दी जल्दी वहाँ पे पहुँचते हैं और अपना कॉपी लेते हैं, क्योंकि वो कॉपी तो अपना प्रैक्टिस कॉपी है ट्यूशन का। तो पूरा थक गए हैं, तो मिलते हैं आगे दोस्तों। यहाँ पे मम्मी जो है ब्रिज पे चढ़ने के लिए नहीं मान रही है, देखिए। चलो चलो, एक बार थोड़ा सा आगे लेके आ जाए, उसके बाद हो जाएगा। बोई 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 बोई, डरती है पानी से बहुत ही ज़्यादा, तो एक बार थोड़ा सा आगे कर देते हैं, उसके बाद हो जाएगा। भाई भाई भाई, अरे अरे अरे, चल 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 चल। तो दोस्तों यहीं पे हम लोग ब्रिज पार हो चुके हैं और अभी तक बेबी लोग नहीं पहुंचे, मुझे लेट हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अभी सीधे मिलते हैं घर पर, तभी के लिए बाय।
उन लोग वेट करते हैं। तो दोस्तों यहीं पे भी हम घर पहुंच चुके हैं और बस इतना ही था। घर पहुंच चुके हैं और माँ आंगन झड़मा चुकी है। तो ठीक है दोस्तों, तो अभी हम लोग जल्दी जल्दी रेडी होते हैं और निकल रहे जॉब कार्ड के काम के लिए। तो बाकी आज के इस वाले वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे हम अपने अंदर वीडियो पर। तब तक के लिए आप अपना और अपने ख्याल रखिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपका समय सुबह। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हाय माता।